हे गाइस, तो हम लोग केदारनाथ से आ गए और अभी हम लोग फाटा में हैं। अभी कुछ देर में हम लोग निकलेंगे बद्रीनाथ, चोपटा होके जाएंगे। हमारा वैसे तो प्लान था टुंगनाथ जाने का, बट जैसा कि आप लोग को पता है कि हम केदारनाथ में एक दिन रुक गए थे ड्यू टू यू नो वेदर खराब होने की वजह से। तो बट यहाँ पे वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, जैसे कि कल मतलब 2 बजे के बाद, यहाँ पे लोग भी बोलते हैं कि 2 बजे के बाद यहाँ पे पक्का मतलब जरूर बारिश होती है। तो अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो ट्राई करिए कि 12 बजे तक आपका दर्शन हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। वैसे तो हम लोगों ने भी सोचा था कि हम लोग का जल्दी दर्शन हो जाएगा और हम लोग फिर वापस आ जाएंगे, बट नहीं हुआ ऐसा। हम लोग टेंट में रुके थे, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था भाई। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा हम लोग का, टेंट में रुकना पड़ा था, याद रहेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। और यस, जिसने भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और ऊपर में हेलीकॉप्टर जा रहा है इसलिए आवाज़ आ रहा है, स्टे ट्यून्ड। सो हम लोग बद्रीनाथ चोपटा होके जा रहे थे जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है वहाँ पे। गाइज, हम लोग का गाड़ी इस कीचड़ में फंस गया है। गाड़ी तो फंस गया था लेकिन वहाँ के ड्राइवर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो एक अंकल ने हमारी हेल्प की और हम लोग का गाड़ी निकल गया। ऑन आवर वे टू बद्रीनाथ, लुक एट दिस व्यू गाइस, सो फैसिनेटिंग। आसमान छूने वाले, इतने टॉप पे हैं हम लोग। बद्रीनाथ जाने के रास्ते में आपको इतना अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा ना, आप बस व्यू ही एंजॉय करते रह जाओगे। उत्तराखंड इज सच अ हेवन रियली। और हम लोग भाई खाना भी एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे मम्मी लोग चाय पी रहे हैं एंड वी आर एंजॉयिंग दिस व्यू, सो गुड गाइस। वहाँ पे काफी सारे लोग कैंपिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में भाई। वहाँ का व्यू तो बहुत ही अच्छा है और रास्ता भी काफी डेंजरियस है। हम लोगों ने काफी सारा मतलब लैंडस्लाइड देखा जो हुआ था पास्ट में, पहाड़ आधे आधे टूट के गिरे थे वहाँ पे, तो डेंजर है काफ़ी, बट मज़ा भी आता है देखने में। सो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने खाया था आइसक्रीम और कुछ स्नैक्स वगैरह भी लिया था। और काफ़ी लंबा रास्ता है गाइस, मतलब 10-12 घंटे तो लग ही जाते हैं बद्रीनाथ पहुँचने के लिए। तो बस गाड़ी में ही थे हम लोग और व्यू एंजॉय कर रहे थे, मतलब हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कल रात को हम लोग 10-10:30 बजे पहुंच गए थे बद्रीनाथ धाम, और मतलब करीबन 10-12 घंटे लग जाते हैं। और अभी हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं, अभी बज रहे हैं 7, देखते हैं कितने बजे तक दर्शन होता है। अभी मैं ऑन द वे हूँ मंदिर की तरफ, लेट मी शो यू द मार्केट। मौसम देखिए, ठंड तो भाई भयंकर है, ओनली फॉग एंड फॉग। सो गाइस, हम लोग लाइन में लग चुके हैं, बहुत लंबी लाइन है। हम लोग लेट हो गए, एक्चुअली 3 बजे से आना चाहिए था।
ठीक है। ठंड में जम चुके लग रहा है कि अभी जल्दी ही दर्शन हो जाएंगे। जय बाबा बद्रीनाथ। गाइस हम लोग का दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। लोगों ने अपने रिलेटिव्स के लिए बहुत सारा शॉपिंग किया है, शॉल टोपी, और दर्शन तो हो गया। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने और ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है। सो दर्शन कंप्लीट करके हम लोगों ने कुछ खाना पीना किया और हम लोग तभी निकल गए क्योंकि वहाँ पे एक मौसम बहुत खराब रखा था, बारिश भी हो रही थी और बद्रीनाथ ने एज़ कम्पेयर टू केदारनाथ बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि बारिश भी हो रही थी और प्लस वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी है। सो बद्रीनाथ ज़्यादा टफ लगा मुझे। फिर हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल गए। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं द हिमालयन व्यू में लंच करने के लिए। हम लोगों ने ऑर्डर किया है रोटी जो कि इस तरह का है, अभी मंचूरियन जो कि बीच से पके ही नहीं है, ये अचार है, ये पनीर है। खाना पीना सब हो गया, अभी हम लोग फिर से जर्नी स्टार्ट करेंगे। सो टायरिंग, लेट मी शो यू द व्यू। दो कुत्ता दीदी को दौड़ा रहा है और वो भाग रही है। अंदर जाने वाला यह है धारी देवी। हम लोग रात को आए हैं।
सो ऋषिकेश पहुँचते पहुँचते हम लोगों को बहुत रात हो गई थी. सो प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट ऋषिकेश ब्लॉग एंड स्टे ट्यून. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.